आज इस वीडियो में हम बात करते हैं भारतीय हिंदी फिल्म जगत के जाने माने डायरेक्टर वे प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी जी की। भारतीय हिंदी फिल्म जगत ने रोहित शेट्टी का नाम आजकल कौन नहीं जानता। बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए ये बहुत लोकप्रिय है। रोहित शेट्टी को बॉलीवुड का डॉक्टर भी कहा जाता है। अगर बात एक्शन फिल्म बनाने की जाए तो भी रोहित शेट्टी का नाम आता है। रोहित शेट्टी अपनी एक्शन मूवी और कॉमेडी मूवी के लिए काफी लोकप्रिय है। इन्होंने गोलमाल, सिंघम रिटर्न, बोल बच्चन तथा सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। भारत में इनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने कड़ी मेहनत करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। रोहित शेट्टी का जन्म 14 मार्च 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम मुद्दू बाबू शेट्टी है। रोहित शेट्टी के पिता फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंटमैन और एक्टर थे। रोहित के पिता तब गुजर गए जब वह केवल 6 साल के थे। पिता की मौत के बाद इन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया और फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल मुकाम हासिल किया। रोहित शेट्टी की मां का नाम रत्ना शेट्टी है। इनकी मां फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती थी। इनके 2 भाई और 3 बहनें हैं, हृदय शेट्टी व उदय शेट्टी। इनकी 3 सगी बहनें हैं जिनका नाम महक, छाया और चंदा है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल से की है। अपनी शिक्षा पूरी होते ही उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना सफर शुरू कर दिया था। बचपन से ही रोहित को पढ़ाई से ज्यादा फिल्मों में इंटरेस्ट था। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2003 में जमीन फिल्म से की थी। रोहित शेट्टी का विवाह वर्ष 2005 में माया शेट्टी के साथ हुआ। माया पेशे से एक बैंकर है और लाइमलाइट से दूर रहती है। इनका एक बेटा है जिसका नाम ईशान शेट्टी है। रोहित हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। उन्हें कसरत करने का भी बहुत शौक है। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने कुकु कोहली के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। इन्होंने कई मूवीज में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। फूल और कांटे, जुल्मी तथा हकीकत जैसी शानदार फिल्मों में काम करने के बाद रोहित शेट्टी लोगों की जुबां पर उतरने लगे थे। प्यार तो होना ही था फिल्म में शानदार काम करने के चलते यह फिल्म बेहद पसंद की गई। 2003 में जमीन फिल्म में इन्होंने एक डायरेक्टर के रूप में अपना सफर शुरू किया। 2006 में गोलमाल फिल्म को डायरेक्ट किया जिसके चलते इनकी फिल्म गोलमाल काफी पसंद की गई, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी। गोलमाल मूवी वर्ष 2006 की सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी फिल्मों में से एक थी। रोहित शेट्टी अपने काम के चलते बहुत ही कम समय में काफी लोकप्रिय हुए और गोलमाल, बोल बच्चन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट करने के बाद 2013 में आई कॉमेडी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस काफी लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद रोहित शेट्टी यही नहीं रुके, इन्होंने दिलवाले, गोलमाल अगेन, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। आज रोहित शेट्टी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टर है तथा इनका नाम सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। एक डायरेक्टर के साथ साथ रोहित शेट्टी टीवी इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। 2009 से 2011 तक इन्होंने कॉमेडी सर्कस में एक जज के तौर पर काम किया। एक फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ उन्हें एडवेंचर का भी शौक है, इसलिए उन्होंने 21 जुलाई 2008 को शुरू हुए एक रियलिटी शो फियर फैक्टर यानी खतरों के खिलाड़ी में एक होस्ट के रूप में काम किया। खतरों के खिलाड़ी के सीजन 7 में अभिनेता अर्जुन कपूर को खतरों के खिलाड़ी का होस्ट बनाया गया, लेकिन दोबारा खतरों के खिलाड़ी सीजन 8, 9 और 10 में उन्हें इस रियलिटी शो को होस्ट करने का मौका मिला। इन्होंने इस शो को बहुत ही ईमानदारी और बखूबी से निभाया। वर्तमान में भी रोहित शेट्टी ही खतरों के खिलाड़ी शो को होस्ट कर रहे हैं। रोहित शेट्टी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इतनी मेहनत करने के बाद आज वो एक सफल निर्देशक के मुकाम पर बने हुए हैं। अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो 248 करोड़ रुपए है। ऐसे ही बॉलीवुड गपशप पाने के लिए हमारे चैनल फिल्मी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।